In my previous video, I wanted to see the Western tragopan in the snow. But despite our best efforts, we failed. हालांकि इसमें हिमालयन मोनाल मेल एंड फीमेल की काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई। बाद में मैंने इसके लिए एक और कोशिश की लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिल पाई। मुझे इसके लिए अब नेक्स्ट विंटर का इंतज़ार करना होगा एंड आई होप अगली बार मैं इसमें कामयाब हो पाऊँगा। The spring season has begun and the snow is melting at the lower altitudes. ये वेस्टर्न ट्रैगोपैन के साथ साथ दूसरे पक्षियों का भी ब्रीडिंग सीजन है। ड्यूरिंग दिस टाइम द वेस्टर्न ट्रैगोपैन इन इट्स मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म कॉल्ड ब्रीडिंग प्लूमेज। और मैं ट्रैगोपैन को साल के इस समय देखना कभी मिस नहीं करना चाहूँगा। आज की इस वीडियो में मैं वेस्टर्न ट्रैगोपैन की इस टूर में हुई साइटिंग के साथ साथ इस पक्षी के बारे में कुछ ज़रूरी फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। डे बाय डे जंगलों में वेस्टर्न ट्रैगोपैन के साथ साथ दूसरे बर्ड एंड एनिमल भी सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल फेस करते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पक्षी को नज़दीक से जानें और इसकी कंजर्वेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए आगे आएँ। सबसे पहले इसके एल्टीट्यूडनल रेंज और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। गर्मियों में वेस्टर्न ट्रैगोपैन अपर टेम्परेट फॉरेस्ट में 2400 मीटर से 3600 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहता है, जबकि विंटर्स में ये डेंस कॉनिफरस और ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में 2000 मीटर से 2800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये ऊपरी इलाकों की तरफ मूव करते हैं और जुलाई आते आते लगभग 3600 मीटर तक जा सकते हैं। ये मई का मंथ है और हम अभी 2800 मीटर के एल्टीट्यूड पर हैं। आफ्टर सेटिंग अप अ कैंप आई स्टार्टेड सर्चिंग दिस बर्ड इन द सराउंडिंग। एंड इट डोंट टेक मच टाइम दैट वी हैड द फर्स्ट साइटिंग ऑफ द टूर। वेस्टर्न ट्रैगोपैन वेस्टर्न हिमालय का एंडेमिक बर्ड है, विच मीन्स ये हिमालय को छोड़कर और कहीं नहीं पाया जाता। इस पक्षी की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के नॉर्दर्न हजारा के कोहिस्तान गगान वैली में, भारत में जम्मू कश्मीर के झेलम और किश्तवाड़ में, हिमाचल के चंबा कुल्लू ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतलुज रिवर एंड उत्तराखंड के नॉर्थ वेस्ट में गढ़वाल के कुछ इलाकों में पाई जाती है। ये विशाल हिमालयन रेंजेस के भीतर रिलेटिवली स्मॉल एरिया है। मैं और खेमराज पिछले 5 सालों से इस पक्षी को चेज कर रहे हैं
और इसे जंगल में स्पॉट करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके तलाशते रहते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है जब हमें इसकी साइटिंग नहीं हुई, लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट से हम इसकी वाइल्ड बिहेवियर की काफ़ी फुटेजेस ले पाए, जिन्हें इस वीडियो में दिखाया गया है। दुनिया भर में ट्रैगोपैन की कुल 5 स्पीशीज हैं, जिनमें से 4 भारत में पाई जाती है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन की एस्टिमेटेड वाइल्ड पॉपुलेशन केवल 5,000 के करीब है, एंड दिस इज अमंगस्ट द रेयरेस्ट फीजेंट ग्लोबली। इस पक्षी को इसके 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन, वेस्टर्न हॉर्न ट्रैगोपैन और जुजुराना। वेस्टर्न ट्रैगोपैन इस पक्षी का साइंटिफिक नेम है, जिसका प्रयोग पक्षी विज्ञानियों और जीव विज्ञानियों द्वारा इसकी एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। इसके नाम में यूज होने वाला ट्रैगोपैन शब्द सभी ट्रैगोपैन फीजेंट का जीनस नेम है, और वेस्टर्न इसकी हिमालय में ज्योग्राफिकल रेंज को डिफाइन करता है। वेस्टर्न हॉर्न ट्रैगोपैन ये इसका डिस्क्रिप्टिव नेम है, जो मेल पक्षी की 2 प्रमुख विशेषताओं को हाईलाइट करता है। वेस्टर्न पहले नाम की तरह ही ज्योग्राफिकल रेंज को, और हॉर्न कोर्टशिप डिस्प्ले के दौरान इसकी आंखों के ऊपर डेवलप होने वाले फ्लैशी सींगनुमा उभार है, जिसे प्रोट्यूबरेंस कहते हैं, को रेफर करता है। जुजुराना ये लोकल नेम है जो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। जुजुराना का मतलब पक्षियों का राजा होता है, जो स्थानीय लोगों द्वारा इस पक्षी के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन हिमाचल का स्टेट बर्ड है, विच इज वेल कंसीडर्ड चॉइस। आइए समझते हैं ये पक्षी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिससे इसे हिमाचल का स्टेट बर्ड घोषित किया गया है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन का हैबिटेट सीमित क्षेत्र में पाया जाता है। कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के साथ इसका वाइब्रेंट प्लूमेज और प्रोमिनेंट ब्लू थ्रोट इसे देखने में ज़बरदस्त आकर्षक बनाता है। ऐसे यूनिक फीचर वाले पक्षी को चुनना हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता और रिच बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन के हाई अल्टीट्यूड वाले फॉरेस्ट हिमाचल के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इस पक्षी को चुनकर राज्य अपने नाजुक इकोसिस्टम को और उन विभिन्न प्रजातियों को बचाने की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट करता है, जिन्हें वे अपना घर कहते हैं। वेस्टर्न ट्रैगोपैन को IUCN द्वारा वनरेबल स्पीशीज के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इस खतरे में पड़ी स्पीशीज को राज्य पक्षी के रूप में चुनना संरक्षण के प्रयासों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है, और साथ ही इसके हैबिटेट और पॉपुलेशन की रक्षा की पहल के लिए प्रोत्साहित करता है। इस पक्षी का सीमित और फ्रेगमेंटेड एरिया इसे कई खतरों के लिए वनरेबल बनाता है। एक्टिविटीज लाइक डीएफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और अनसस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिसेस इन ऊंचाई वाले वनों को खत्म या फ्रेगमेंट करते हैं, जो इस पक्षी के लिए सुटेबल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इन कंक्लूजन, वेस्टर्न ट्रैगोपैन सिर्फ एक सुंदर पक्षी ही नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की भावना का प्रतीक है। इसकी अनूठी सुंदरता, सांस्कृतिक महत्व और एक हेल्दी इकोसिस्टम पर निर्भरता इसे राज्य के लिए एक परफेक्ट सिंबल बनाती है, जो पर्यावरण जागरूकता और स्थानीय गौरव को बढ़ावा देती है। दुनिया में इस पक्षी की 20-30% पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पाई जाती है।
हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को ईयर 99 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है। ये नेशनल पार्क मुख्य रूप से दो वैली सैंज और तिथन में फैला हुआ है। इन दोनों वैली में बहने वाली चार छोटी नदियां हैं जिनका कैचमेंट पूरे नेशनल पार्क के क्षेत्रफल को कवर करता है। हालांकि हिमाचल में नेशनल पार्क के बाहर भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां वेस्टर्न ट्रैगोपैन पाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, खेती के लिए वनों का कटान ने इस पक्षी के साथ साथ दूसरे बहुत से जीव जंतुओं की आबादी को भयानक रूप से प्रभावित किया है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जल्दी ही जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम वेस्टर्न ट्रैगोपैन के साथ साथ बहुत से जीवों को जंगल से वाइप आउट होता हुआ देखेंगे। लेकिन इसके बीच ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया वेस्टर्न ट्रैगोपैन के साथ दूसरे जानवरों के लिए आखिरी उम्मीद है। हालांकि नेशनल पार्क भी आज के इस दौर में काफी दबाव झेल रहे हैं और इनमें भी अब मानव द्वारा किए गए विनाशकारी कामों का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन अगर लोग इसके लिए प्रयास करें और सरकारें इसके लिए जरूरी कदम उठाएं तो इस पक्षी की पॉपुलेशन को अभी भी बचाने का मौका है और ऐसा करके हम अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को आने वाली जेनरेशंस के लिए सहेज पाएंगे।